नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro 5G versus CMF Phone 1 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.36 इंच जबकि CMF Phone 1 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro 5G में 2.91 इंच जबकि CMF Phone 1 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro 5G में 0.34 इंच जबकि CMF Phone 1 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro 5G में 190 ग्राम जबकि CMF Phone 1 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 12 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 12 Pro 5G में AMOLED जबकि CMF Phone 1 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Pro 5G में 20:1:9 जबकि CMF Phone 1 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि CMF Phone 1 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और CMF Phone 1 में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro 5G में 90.68% जबकि CMF Phone 1 में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि CMF Phone 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और CMF Phone 1 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro 5G में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और CMF Phone 1 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और CMF Phone 1 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro 5G में Adreno 710 जबकि CMF Phone 1 में Mali G615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और CMF Phone 1 में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है। बात करें रैम की तो 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है, जबकि CMF Phone 1 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि CMF Phone 1 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12 Pro 5G में नहीं है, जबकि CMF Phone 1 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 12 Pro 5G में 2
कलर्स, जबकि CMF फोन 1 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो 12 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें CMF फोन 1 की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 12 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें CMF फोन 1 5G की, तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y200 Pro 5G है, तीसरा Poco F6 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Xiaomi 14 CV 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।